भाभी जी घर पर हैं शो के 10 अमेजिंग फैक्ट्स, जिनको सुनने के बाद आप भी बोलोगे क्या बात है सर, क्या बात है सर। सो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, भाभी जी घर पर हैं शो में जिस सिटी को दिखाया जाता है वह बिल्कुल बनावटी होती है और उसे बहुत ही बारीकी से बनाया गया होता है और वह देखने में बिल्कुल एक असली सिटी की तरह ही दिखाई देती है। फैक्ट नंबर 2, आपने भी नोटिस किया होगा कि इस शो में कभी भी आसमान को नहीं दिखाया जाता है क्योंकि इस आसमान को लाइटिंग की मदद से बनाया जाता है। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि शो में अंगूरी के किरदार के लिए शुरुआती पसंद रश्मि देसाई थी, हालांकि रश्मि द्वारा इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी और उनके सह कलाकार रोहित शाह के बीच उम्र का काफी अंतर है जो कि इस शो में अंगूरी के पति की भूमिका निभाते हैं। फैक्ट नंबर 4, आपको जानकर हैरानी होगी कि अंगूरी को छोड़कर सभी ने जब भी सेट यारा दिलदारा, पीके, थ्री इडियट्स और ए वैलेंटाइन डे जैसी बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है। फैक्ट नंबर 5, सो गाइस क्या आपको पता है मनमोहन तिवारी की ऑन स्क्रीन माँ असल जिंदगी में उनसे 10 साल छोटी हैं। फैक्ट नंबर 6, अभिनेत्री सौम्या टंडन जो कि अनीता भाभी का किरदार निभाती हैं, साथ ही में वह कवित्री भी हैं और गाइस आपको जानकर हैरानी होगी कि ये अब तक 17 किताबें लिख चुकी हैं। फैक्ट नंबर 7, शिल्पा की जगह अंगूरी के रूप में शुभांगी अंतरे ने इससे पहले शिल्पा की जगह चिड़ियाघर में शो किया था। फैक्ट नंबर 8, आसिफ शेख जो कि भाभी जी घर पर शो में विभूति नारायण मिश्रा का रोल निभा रहे हैं, वे अपने छोटे दिनों के दौरान एक एथलीट बनना चाहते थे और एक स्प्रिंग बोर्ड भी बनाना चाहते थे, हालांकि एक चोट के कारण वे अपने उस कैरियर की रेखा तक नहीं पहुंच सके। फैक्ट नंबर 9, यह माना जाता है कि प्रमुख अभिनेताओं का वेतन प्रतिदिन 50,000 से 70,000 के बीच होता है। फैक्ट नंबर 10, विभूति नारायण मिश्रा जो कि इस शो में एक यंग मैन का रोल प्ले कर रहे हैं, वे एक असल जिंदगी में 58 साल के व्यक्ति हैं। सो गाइस ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। सो गाइस अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।